दोस्तों यूं तो समुद्र में करोड़ों प्रकार के जीव और मछलियां पाई जाती हैं, लेकिन समुद्र में एक ऐसी किस्म की मछली रहती है जो जापान में देख जाए तो वहां पर अपशगुन माना जाता है, क्योंकि इस मछली को जेंट और फिश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मछली समुद्र के 1 किलोमीटर की गहराई में रहती है जिसकी लंबाई करीब 50 फीट होती है। और इस मछली को जो भी देखता है तो वह यही सोचता है कि यह कोई खतरनाक सांप ही होगा, क्योंकि जापान में यह माना जाता है कि जेंट और फिश का समुद्र के किनारे नजर आना एक कुदरती आफत के नजर आने के समान है। पर दोस्तों आपको क्या लगता है कि यह मछली जापान के लिए रियल में अपशगुन है? नीचे चैट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।